अस्सलाम वालेकुम, सब शुभ खुश हम भी बात करेंगे रात के एपिसोड 24 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह वो अपने बाप से कहता है कि वो नहीं जाएगा, दूसरे जमील से भी सवेरा बात करती है लेकिन वो अपनी हरकतों से पास नहीं आता। वहीं आलम काफ़ी खुश होता है और दूसरी तरफ वो अपनी माँ से बात करता है कि आप तो कमरान भाई को ही ज़्यादा करती है, और वहीं घर में पुलिस आती है उसे फ़ोन करके कहता है कि तुम फ़ौरन से पहले घर आओ, उसे नोटिस लेके जाती है पुलिस और काफ़ी परेशान हो जाते हैं इस वजह से। और दूसरी तरफ वो उससे कहते हैं कि सवेरा वहाँ से बताता है और कहता है कि अगर उन्होंने कह दिया नहीं तो वो नहीं जाएंगी, और जमीर को अच्छा खासा सबक सिखाता है। वहीं पर वो उससे कहता है कि कहाँ है सब ये वो, और वहाँ पे उससे जब कहता है कि केस वापस लो तो सलार मना कर देता है कि वो ये केस वापस नहीं लेगा, बाप को भी खड़ी खड़ी सुना देता है। वहीं पर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करता है, दोनों काफ़ी खुश होते हैं। आने वाले एपिसोड में देखेंगे जैद पाकिस्तान जाने का फैसला कर लेता है। वहीं उसके बाप की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहीं वो कहता है कि मैं उनके सामने नहीं रहूंगा, और दूसरी तरफ सवेरा और अपने बच्चों को किसी और के साथ देखकर उसे काफी बुरा लगता है। जमील की तो जैसे गहरे थी जाग जाती है, हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ वो उसका काफी ख्याल रखते हैं, और वहीं पे हॉस्पिटल में जब वो अपने बाबा को लेकर जा रही होती है तो जैद उसे देख लेता है। अब देखना यह है कि जैद का आना क्या सलार और ईमान की जिंदगी पर कितना असर करेगा, और इनकी जो है वो जिंदगी को कितना खराब करेगा। अभी अपने कमेंट के जरिए जो दीजिएगा।